हेलो गाइस, नमस्ते। और आप लोग का प्यारा छोटा भाई दयानंद साहब, मेरा एक छोटा सा चैनल है जो आप लोग जानते ही हैं। छोटा सा प्यारा सा दयानंद साहब, आप लोग का सपोर्ट का दरकार है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत सपोर्ट का दरकार है, और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में, और उससे अच्छा बेहतर करने का कोशिश करेंगे, आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बात, और आज का हम लोग का ब्लॉग जो चालू होने वाला है वो ब्लॉग है आपका कलकत्ता टू रानीघाट। मैं अभी जाने वाला हूँ साथी का घर, मतलब देखता हूँ कैसा रहता है रास्ता का जर्नी। बट रास्ता का जर्नी तो बहुत ख़राब था, और साउंड रिकॉर्ड कभी कभी बीच बीच में मिस हो गया था। बट आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखें, कंप्लीट करें वीडियो। क्या होता है, वीडियो आप लोग नहीं देखते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप लोग पूरा वीडियो देखें, और वीडियो में जो भी गलती हो, जो आप लोग बताएं कि ये गलती है ठीक करें, वो हम ठीक करेंगे। बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फुल वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं ब्लॉग में, टेक केयर गाइस, माय यूट्यूब फैमिली, टाटा। आगे देखिए ब्लॉग कैसा होता है, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, माय यूट्यूब चैनल दयानंद साहब। और आज का ब्लॉग होने वाला है धमाकेदार, और ब्लॉग पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। और आज का ब्लॉग है ये कि मैं साथी को लाना जा रहा हूँ उसका घर, थोड़ा 27 किलोमीटर थोड़ा घूमने का मन था, तो निकल पड़ा घर से। उसको मालूम नहीं है कि हम आ रहे हैं, बट उसके लिए सरप्राइज होगा। और ये धूप से निकल चुका है, छोटा सा गली से निकल रहा है। ग्लव्स पहनने क्योंकि हाथ में थोड़ा ठंडा लगे, और धूप भी मिलता है, चलाने का मजा कुछ अलग है। शायद सेंटर कितना बज रहा है अभी, आपका 9 बजने वाला है लगभग। रानाघाट से आगे जाना है, रानाघाट से आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट 2 घंटा 46 मिनट तो दिखा रहा है, बट उससे पहले पहुंच जाऊंगा। तो भैया आगे बढ़िए, भैया उधर भी जाने दीजिए, तो भाई साहब तो ऐसा तो मजा नहीं है, देख रहे भाई साहब। और भैया जी रुक जाइए, रुक जाइए, कितनी बार करता है, भारी होने देना है उसके अंदर का ध्यान रखता। तो 2 घंटा में पहुंच जाना चाहिए बाइक से, बस काफ़ी कितनी पैसा मिले 11 बजे तक कम्प्लीट करना है।
अभी थोड़ा फाका रोड मिला है तो थोड़ा चलते हैं, कुछ धमाका करें। और अच्छा भी लग रहा, थोड़ा ठंड का महसूस हो रहा है। हेलो गाइस, फाइनली उसका गांव पहुंचने वाले हैं। यहां से लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, देखते हैं। फाइनली गांव में भी आके बहुत अच्छा लगता है, गांव का एक मज़ा ही अलग है। ये उसका गांव वाला रास्ता है, यहां से 7 या 8 किलोमीटर समथिंग है। सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा बाइक चला के, गाँव का फील है। गाँव में भी जो सिटी में रहने के बोर हो जाते हैं, गांव में आके सुकून मिलता, लगता कहीं पे आए हैं। मज़ा आ गया गाइस रियली। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर करें,
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। देख रहे व्यू, देख रहे कितना अच्छा व्यू है, ऑसम व्यू ब्रो। ये हमारे वैगनर चल रहे हैं आगे आगे, अभी इनसे आगे निकलने का कोशिश करूँगा, देखते हैं पास देता है कि नहीं। दे दिया पास, लेकिन रास्ता बहुत छोटा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बाइक चलाने में यहाँ पे, तो थोड़ा स्लोली स्लोली ही जाना होगा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है। आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब ये डबल लाइन का छोटा रोड है, डबल लाइन गाड़ी चलता है, आप लोग देख ही सकते हैं, स्लो करना पड़ेगा। ये हमारे छोटे छोटे भाइयों लोग संकेत चलाते हुए, सीरियसली जो व्यू है ना मज़ा आ गया गाइज। आप लोग भी देखे वीडियो में व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ठंडक जो मिल रहा है ना अंदर में, हाँ क्या ठंडापन है, धूप और ठंडक का मज़ा एक अलग फील होता है। अभी रेल लाइन आ चुका है, गिरा हुआ पटरी, इसलिए थोड़ा वेट करते कब खुलता है देखते। बच्चा लोग देख रहे कैसे घूर के क्या लगाया हुआ है, सीरियसली बच्चा लोग देख रहे कि क्या है हेलमेट में लगाया हुआ है। देख रहे गाइस आप लोग, काफ़ी टाइम हो गया, कब आएगा ट्रेन, कब वो खुलेगा सिग्नल। फाइनली ट्रेन आ गया, इधर पानी भरा हुआ भाई जी, ओ माय गॉड, इधर तो पानी है, कहीं पानी नहीं मिला, इधर पानी मिला मुझे। आराम से निकलना है, कॉर्नरिंग करते हुए साइड से निकलना पड़ेगा, और ज़्यादा पानी मामा।
सीरियसली यहाँ पानी जमा हुआ, गड्ढा था इसलिए पानी जमा हुआ था, और कोई बात नहीं है। और चाची जी इतना मत घूरो, घूरोगे तो हम घायल हो जाएंगे। ओह माय गॉड, डिस्टेंट कर रहे हैं बच्चे लोग। अरे भाई जी, कौन सा बाजार है पता नहीं, राइट लेना पड़ रहा सीधा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए हैं। गाइज अभी साथी का घर पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट अभी थोड़ा दूर में ही है। अभी उसका भाई रास्ता में उनको दिख गया है, ये देखो साइकिल साइकिल फॉलो कर रहा, जो साइकिल में जा रहा है उसका भाई है, दुकान बढ़ा के भी जा रहा है, सेम टाइमिंग पे पहुंचे हैं। और ब्रो अरे इधर देखो इधर, अरे दिख रहा है तू कैमरा में, ओए ओए दिख रहा कैमरा में दिख रहा, ओ बाबा ये भी लग रहा। हेवी वीडियो बन रहा है लेकिन तेरा, ये साइकिल राइडर है, बिना ब्रेक का साइकिल है। क्या हुआ ब्रो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? गड्ढा रहने दो, तेरा अच्छा वीडियो आ रहा, लेकिन वीडियो मस्त आया तेरा, वीडियो मस्त आ रहा देख। ओ ते वीडियो आगा
बाबा कब आएगा? एक छोटा सा गली आएगा, गली से राइट लेना होगा, फिर उसका घर आ जाएगा ऑलमोस्ट। कब आएगा तेरा घर? घर कब आएगा? घंटा चलाया। अभी राइट लेना है, फाइनली उसका घर पहुंच गए हैं। यहाँ से समथिंग 200 मीटर होगा, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं। ये हमारे बकरी लोग हैं, एक गांव का मज़ा गांव में ही है। किचर किचर किचर, अरे अभी तक पानी नहीं हटा वे। बाबा इसका बालू स्लिप करता है ना। मैडम जी नाइटी में आ रही है, देख लीजिए। और मैडम जी नाइटी में चल रही है। नाइटी में फाइनली इसका घर पहुंच गए। इसका इसका घर है, इसका मम्मी खाना बना रही है, यही घर है इसका मम्मी का। मांस कैसे होते हैं? अच्छा से बनाओ। ये हाथ में क्या है? क्या? फेस वॉश है। फेस वॉश है। निकाल लिए। तेरा घर में तो ऐसा चूल्हा नहीं होता होगा? हाँ गांव में है। गांव में तो सभी कहाँ है? गाइस देख सकते हैं ये चिकन बना रही है, चिकन चिकन लेग पीस। रिटर्न, हम लोग कोलकाता के लिए निकल रहे हैं अभी। अभी साथी आ रही है, चलो साथी। हाँ कौन सा बैग? कैमरा भारी कहाँ है? बैठेगा भारी इस पे आ जाएगा बैग। बैठ पहले। अरे पहले तो हम रखेंगे कहाँ पे? बैठ तो पहले। बैठ। सर बड़ा हो गया तेरा, सर बड़ा हो गया। बेटा क्या सूख गया? अरे सूख गया। बोला भी नहीं था। अरे सूख गया, बैठ जाना। मेरे पैंट पे लगेगा, धोया हुआ पैंट है। हम थक जाएंगे। और मैडम हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? कोलकाता क्या करने? रेसिडेंटल एड्रेस। ओ ये को क्या है? ये क्या है तुम्हारा?
चल ना मेरा बाप। रेडी सेडी गो एंड पो। ले कपड़ा दे, कपड़ा से पोछ। गाड़ी आ रहा। गाड़ी आ रहा है। रुक। आ गया आ गया। अब कहा कि इसको कहाँ लगाएगा? अरे क्रीम को कहाँ लगाएगा? क्या क्या सूख जाता तुम्हारा भगवान जाने। चलना बाबा जल्दी से बैठ ना बाबा। अरे इसका माँ का ना कसम से बहुत गुस्सा दिला रहा। ये मेरा क्या है? चल ना बाबा सही गुस्सा दिला देता तुम। बैठ। हो गया चले। ये अभी हम लोग इसका घाव से निकल रहे हैं साथी मलिक का, और मोटा मोटी 8:30 तक पहुंच जाएंगे कलकत्ता केशवपुर इसका घर। ए कुत्ता हटो बाबा, बाबा हटो। यो हाँ हाँ ठंडा का मजा है इधर, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हारा माता बड़ा हो गया तो तुम्हारा माता छोटा हो गया। दुकान पे मत रुक जाना ठीक है। उतरना मत दुकान पे फिर चढ़। हाँ हाँ वहाँ उतरना ही होगा, ऐसे नहीं भी उतरेगा तो चढ़ा के ले जाएंगे। अभी बस थोड़ी देर में ही 100 मीटर में इसका दुकान है, फिर वहाँ पे एक रेल का पटरी आता है जो उतरना पड़ेगा इसको। नहीं उतरेगी तो बाइक क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका रेल का पटरी बहुत गड्ढा गुड्ढी है, बाइक गिर भी सकता है, इसलिए उसको उतारना ज़रूरी है। राइट लेना है ना, राइट लेना है ना। हाँ ये इसका बाजार है ना तेरा है।
ये बाजार है इसका। ये पापा का दुकान चले। ये स्टेशन में चलते हुए ये ट्रेन का पटरी, यहाँ उतरना ही पड़ेगा, उतरना पड़ेगा यहाँ पे कि निकल जाएगा। रुक ना, निकल जाएगा। रुक उतर जाते, रुक मुकाएगा क्या। आ बाबा, बहुत बड़ा गड्ढा है। बट बैठ गया। ये अभी इसका गांव से निकलते हुए ले लिए छोटा रास्ता जो सुबह दिखाए थे आप लोग को। रास्ता पता है ना तुमको इधर का? रास्ता पता है ना? हाँ, क्यों पता नहीं है तुमको? अपना घर का रास्ता पता नहीं है? हाँ, अभी यहाँ से निकलने में मिनिमम इसका गांव से पूरा ये गांव वाला रास्ता है, यहाँ से निकलने में मिनिमम मोटा मोटी पकड़ लीजिए 10-15 मिनट लग जाएगा। किलोमीटर तो अंदाजा नहीं बता सकते क्योंकि मैप तो खोले हुए नहीं है, इस साइड का उतना आइडिया है नहीं। रास्ता पता है ना तुमको? नहीं। पता नहीं तो गाँव में रहती हो क्यों? रुक, हमको आइडिया है जितना दूर तक ले जा रहे हैं। लीलिंग करते हुए निकल रहे हैं।
क्या हुआ? अब किधर चलना है? लेफ्ट राइट किधर? पक्का पक्का ना लेफ्ट? रास्ता याद है तो तेरे को सब याद है तुमको, तुम झूठ बोलता सब रास्ता याद है, झूठ बोलता है। बैग का ही हाथ ले लिया हाथ में, हाँ राणा घाट तक लेके चलना। राणा घाट तक तो लेके चल, सीधा ना। किसका कॉल बजा? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? कौन सा बैग थे तो उसको कहाँ रखे हम? साला इतना हल्का बैग है, उसके बाद साला इतना भारी भारी बैग लेके हम निकलते हैं, इसको एक तो इतना सा बैग संभाल नहीं रहा। पागल आ जाता है साला, फोन किए जा रहा तो फोन किए जा रहा, अबे नहीं कोई उठा रहा तो मत कर कॉल। लेफ्ट ये कौन सा भाई आ रहा है? आर्यन घाटा, आरन घाटा, आरन घाटा। हाईवे में उठेंगे ना तो चाय पियेंगे, चाय 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 का चुस्की लेंगे, ठीक है? क्यों तो चाय नहीं पियेंगे? हाँ हाईवे में ना, हाँ हाईवे में पियेंगे, अभी नहीं। क्या हुआ? बाइक तो चला रहे, तुम ध्यान किधर दे रहा? ना ना अरे पीठ दर्द हो जाएगा साला।
ऐसे भाग साला नहीं तो हम आगे नहीं जा। अरे घुस जा तकिया लगा दे रहे किधर ले बोल सीधा देख रहा अभी तक पानी तुम्हारा यहाँ का गया नहीं। हाँ 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 तुम नहाएगा ये पहले रोड खराब था ना आउच फाइनली गाइस पहुंच गए ये अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए यहाँ से 2 किलोमीटर घर है देख सकते हैं मैप में आप लोग को दिख रहा होगा तो 2 किलोमीटर यहाँ एयरपोर्ट बहुत रास्ता ख़राब है दोस्त क्या बोले बहुत हालत ख़राब हो गया आने में और अभी तो काफ़ी यार मतलब सेकेंड बार गए तो काफ़ी मतलब आने के समय तो ठीक है मोटा मोटी रास्ता जाने के समय तो दिक्कत हो गया था पहुँचा था अभी जाते केशवपुर देखते हैं अगर घर हमको जाना होगा अपना जाएंगे नहीं तो साथी का घर में रुक जाएंगे आज थोड़ा सीधा हो ना थोड़ा सा हाँ ये आप सामने देख सकते हैं ममता दीदी का पोस्टर ये एयरपोर्ट है एयरपोर्ट का अंदर तो रास्ता नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बाइक रनिंग में है ये आपका ममता दीदी का फोटो लोग देख सकते हैं दिख रहा होगा तो फाइनली गाइस पहुंच गए बहुत पेनफुल जर्नी रहा रास्ता बहुत ख़राब था बहुत सारा ट्रैफिक भी मिला और गाइस आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा और मेरा क्या गलती है आप लोग बोले तो उसको मैं सही करूँगा फिर से अच्छे से बनाने का कोशिश करूँगा अगर आप लोग गाइडलाइन नहीं करिएगा तो कौन करेगा पब्लिक ही तो गाइडलाइन करता है ना आप लोग मेरा फैमिली हो आप लोग के सपोर्ट की वजह से इतना सब्सक्राइबर बना इतना व्यू लाइक जो भी आप लोग के सपोर्ट से बना तो आप लोग ही मेरी फैमिली हो ये हम लोग को खाली कोई खाली नाम है कोई खाली हल्दीराम सामने कुछ लेना है क्या साथी ओए बाहर से कुछ लेना है क्या ये देखिए बाबूवाडी 2.5 किलोमीटर छिनापक 1.4 किलोमीटर दिख रहा होगा तो ये अपना हल्दीराम राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं हाँ कब क्या हुआ ये सिग्नल आ गया का कोई खाली भी बोलता हल्दीराम मोर भी बोलता बहुत कुछ बोलता है सिग्नल आ गया गाइस तो कुछ लेगा क्या तुम कुछ लेगा क्या हाँ घर में क्या खाएंगे क्या अभी तो भूख नहीं लगा हुआ हमको हाँ रोटी लेगा क्या बाहर से पहले तो रोटी ले लेंगे नहीं रोटी ही ले लेना कुछ बनाने का भी मन नहीं है ठीक है तो वही रोटी दुकान में रुकेंगे ना जो रोटी दुकान में रुके थे
हाँ ठीक। वाह कितना ट्रैफिक है, संडे के दिन भी इतना ट्रैफिक। ओए हाथ नहीं लगाएगा। हाँ सिग्नल हो गया, चलो आ बोलेंगे ऐसे क्रॉस होता है ना ये लोग, मतलब ठोक भी देंगे। देखा ना थोड़ा और स्पीड में रहता ब्रेक मारते हैं अपनी लोग ना। सही में देख रहा गाड़ी रनिंग है, रोड क्रॉस कर रहा। दोस्त अभी आप लोग से अलविदा कह देंगे एक से दो मिनट बाद। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आप लोग प्यार देते रहे ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे, व्यू दे, क्योंकि आपका छोटा भाई बहुत आगे बढ़े, आप लोग की वजह से आगे बढ़ेंगे। आप लोग ही मेरे सपोर्टर हो, सपोर्ट करें कि आगे बढ़े। छोटा ब्लॉगर है, छोटा ब्लॉगर लोग को भी आप लोग सपोर्ट करें। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते मुझे, बहुत अच्छा लगा। आज आप लोग की वजह से ही जितना भी सब्सक्राइबर बना आप लोग की वजह से ही। हम लोग बागवाटी पहुंच गए। ये क्या है, क्या ये क्या ये। हम लोग बागवाटी पहुंच चुके हैं अभी, यहाँ से कितना समथिंग है 700 मीटर 800 मीटर होगा केशवपुर। क्योंकि इस साथी का मम्मी चिकन दी है तो हम लोग अभी रोटी लेंगे, चिकन रोटी खा लेंगे, क्योंकि भूख तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शाम में ही लंच किए थे 2 बजे के लगभग, 2-3 बजे 3 बज गया था दोपहर टाइम में समथिंग लंच किए थे, तो पेट तो भरा ही है और एकदम ज़बरदस्ती खा लिए थे 2-4 पीस चिकन ज़्यादा, तो पेट भरा हुआ फ़िलहाल। बोले कि घर में बनाने का तो कुछ मन नहीं है, तो बाहर से कुछ ले लो, जो एक दो तो रोटी ले लेंगे हम दोनों के लिए, 3 रोटी में हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि भूख उतना है नहीं, हल्का फुल्का भूख है, जब भूख लगे तब खाएंगे। ये भाई लोग को देखो फुल मज़े में जा रहा है, इसे ना गाड़ी नहीं मिला था पूरे एकदम नीचे, इसमें एक्सीडेंट होने का चांस है, बट ये लोग समझता नहीं है क्या कर सकते हैं। फाइनली गाइस केशवपुर पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो
हेलो भैया जी, भाई आंटी जी बोल बोल, रोटी लगा ना, क्या ले? हाँ ये सब नहीं दिखाएगा मेरा घर का, दूर भाव आप। हेलो, पैसा निकाल तो ले। तीन रोटी में हो जाएगा, तीन रोटी बहुत है गाइस। हम लोग फाइनली केशवपुर पहुंच चुके हैं, आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।